कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने, देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं तो हम इसमें मिल के काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़फोड़ करने का ही है और वो तोड़फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी फिर तोड़ते क्यों? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, वो उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप वो जो काला कपड़ा डाल के वाइट निकालने में मशहूर है। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान मजदूर नौजवान माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतने अनुभवी नेता हैं, अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करें, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है।